साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। महिलाओं की पुकारे आज इस विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो चल रही है, तो उसकी उनकी पुकार सुनने वाला कौन है? ये महिलाओं की, इतनी करोड़ों महिलाओं की आवाज भी यहाँ तक सुनाई नहीं दे जा रही है, तो ये एक लोकशाही की सबसे बड़ी हार है। दिवस के उपलक्ष्य में जो इतनी सारी महिलाएं मोर्चा निकल गई, फिर भी उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है किसी को। सरकार गूंगी बहरी हो गई है। और इसमें से एक जो केस था बापूजी का, वो सबसे बड़ा षड्यंत्र है। सरकार को है कि अगर इतनी महिलाओं की आवाज उठ रही है तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ना कोई प्रूफ है, ना कोई एविडेंस है, सिर्फ एक लड़की के बयान के आधार पर एक निर्णय दिया गया है। हम सिर्फ हमारे हक का न्याय मांग रहे हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मेरा नाम प्राणवी है, मैं पुणे से आई हूँ और मैं अभी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। कितने सालों से जुड़े हैं बापूजी? हम बापूजी से 2006 से जुड़े हैं, तो मतलब मैं बचपन से आश्रम में आती जाती हूँ। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में क्या कर रहे हैं? बापूजी जेल में तो है, पर ये जो आज भीड़ लगी है ना, वो बापूजी पे जो विश्वास है, बापूजी का जो रंग है, बापूजी ने जो सिखाया है, उसकी एक प्रचिति दे रही है। तो जेल में तो बापूजी जरूर है, पर वो शरीर से है। जो बापूजी ने जो ज्ञान फैलाया है समाज में, जो उन्नति कराई है, वो इसके माध्यम से सबको दिख रही है। और यही कारण रहा है कि बापूजी को जेल में भेजा गया है एक षड्यंत्र के तहत, जो कि एक इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र आप कह सकते हो। क्या कहना चाहोगे? 8 मार्च आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? इस महिला दिवस पे एक ही बोलना है मुझे कि ये जो करोड़ों महिलाएं जो बापूजी से जुड़ी है, जिनकी बापूजी की वजह से जिनका उत्थान हुआ है, तो उनके हृदय पे बहुत बड़ी एक चोट है। उनके हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि उनके बापूजी उनके पास नहीं है और उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वो भी एक महिला द्वारा, जो महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया था उसका दुरुपयोग करके। तो एक या दो लड़कियों के कहने पर बापूजी को जेल के अंदर रखा है, पर जो ये करोड़ों महिलाओं की पुकार है आज इस विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो चल रही है, तो उसकी उनकी पुकार सुनने वाला कौन है? जो महिलाएं यहाँ पे आ रही है, जो इतने जो इनकी उन्नति के साधन बने थे बापूजी ने उनके इतना उत्थान किया है, तो उनके पास आज उनके बापूजी नहीं है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, इससे पीड़ित है वो महिलाएं। तो 8 मार्च के उपलक्ष्य में जगह जगह पे संगठन बना के एक रैली या फिर आक्रोश मोर्चा निकल रहा है, वो भी इतनी शांति से चलाया जा रहा है। तो एक इस महिला दिवस पे जो महिला उत्थान के जो प्रणेता है, उनको उनके लिए आवाज उठानी पड़ रही है। इतनी सारी महिलाओं को आवाज नहीं सुनी जा रही है, देश विदेश से महिलाएं आवाज उठा रही है, लेकिन बापू हाथ नहीं मिल रही है, क्या कहोगे? बापूजी को तो एक क्षण की भी राहत नहीं मिली, ऐसा कहो तो भी उचित ही है। उनको एक दिन तक की पैरोल नहीं मिली, ना फलों मिले, ना कुछ मिला है। उनको इतनी सारी बीमारियां है फिर भी। तो ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाओं की आवाज क्यों कोई क्यों सुन नहीं रहा है, उसके पीछे है पैसा, षड्यंत्र। और जो MNCs है, जो कंपनियां हैं, वो जो कमा रही थी तो उसका जो प्रॉफिट है, ये सब है इसके पीछे। जो विधर्मी लोग हैं, जो भारत की संस्कृति के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इन सबका हाथ है इसके पीछे। अगर अब 14-digit कैलकुलेटर बंद पड़ जाएगा, इतना उनका लॉस हो रहा है। तो ये जो है, ये महिलाओं की, इतनी करोड़ों महिलाओं की आवाज़ भी यहाँ तक सुनाई नहीं दे जा रही है, तो ये एक लोकशाही की सबसे बड़ी हार है कि इस देश में महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो इतनी सारी महिलाएं मोर्चा निकल गई, फिर भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है किसी को। सरकार गूंगी बहरी हो गई है। न्याय व्यवस्था ने तो खुद अपनी ही पोल खोल ली है ऐसे बेसलेस जजमेंट्स देके। जजमेंट्स पढ़ने के बाद तो सबको समझ ही आ रहा है कि महिलाएं कैसे दुरुपयोग करी। इस देश में 80% जो पॉक्सो के अंडर रजिस्टर हुए थे रेप केसेस, वो सारे फेक निकले हैं। तो और इसमें से एक जो केस था बापूजी का, वो सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो इस मामले में जो है, महिलाएं इतनी आवाज़ अपनी ऊंचा कर रही है, तो इस मामले पे सबको जो है निगरानी रखनी चाहिए। और बापूजी के लिए जो है निर्दोष मुक्तता की गवाही देनी चाहिए कि सरकार को है कि अगर इतनी महिलाओं की आवाज़ उठ रही है तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्या कारण है कि दो दो कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद भी आज काफ़ी सारी महिलाएँ बापू के समर्थन? आज ये जो महिलाएं हैं, इनके यहाँ प्रत्येक हर एक के पास एक अनुभव है
ये जो महिलाएं थी घर गृहस्थी वाली है, कोई 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 तो हाईली एजुकेटेड है, कोई कोई तो अच्छी कमाई ले रही है, लाखों करोड़ों की कमाई ले रही है, फिर भी यहाँ पे आ रही है। तो मतलब यहाँ पे तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है ना। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आती क्यों? इतनी उनकी करोड़ों करोड़ों की, लाखों लाखों की सैलरी है, कई महिलाएं विदेश से आ रही है यहाँ पे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कैसी हाईली एजुकेटेड महिला, क्यों उनके पास कोई बुद्धि नहीं है क्या? क्यों उनके पास कोई क्षमता नहीं है कि उनके पास सब है, पैसा है, सब है, तो वो किस चीज़ के लिए यहाँ आती है? क्योंकि उनकी यहाँ उन्नति हो रही है, उनको जो यहाँ परम शांति मिल रही है ना, उस वजह से वो यहाँ आ रही है। महिलाओं के लिए बापूजी ने कितने सारे उपक्रम चलाए, तेजस्विनी भव अभियान चलाया है, जिसके तहत युवतियाँ जो है मेरी जैसी, उनको सही दिशा में लाना, उनको भारतीय संस्कृति की ओर मोड़ना, चरित्र रक्षा, ये सब हो रहा है। दिव्य शिशु गर्भ संस्कार चल रहा है, जिसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं, और गर्भपात रोकने जैसी बड़े बड़े उपक्रम बापूजी ने हाथ में लिए हैं महिलाओं के लिए। तो ऐसी हर दिशा से उनकी महिलाओं के लिए व्यायाम, प्राणायाम, आसन, महिलाओं के लिए चले स्व की ओर शिविर, जिनमें आत्मबल बढ़ाना, आत्मविश्वास जगाना, उन महिलाओं के लिए जो है अलग से सब अच्छी व्यवस्था रखना, बापूजी के प्रति जो है इतनी महिला इतना सब क्यों रख रही है विश्वास, यही तो कारण है कि उनको यहाँ पे सब मिल रहा है जो बापूजी उनके हित में कर रहे हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे वो आ रही है ना। पर उनकी आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार तो गूंगी भेरी है ही, और न्याय व्यवस्था ने तो अपनी पोल खोल ही ली है। बिल्कुल कुछ सच्चाई नहीं है। आप अगर वो जजमेंट्स पढ़ोगे ना, तो एक नॉर्मल एक अच्छा इंसान जो है बुद्धि वाला, तो उसको खुद पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, ना कोई प्रूफ्स है, ना कोई एविडेंस है, सिर्फ एक लड़की के बयान के आधार पर एक निर्णय दिया गया है। और वो खुद लड़की के बयानों में भी कितनी सारी विरोध तर्क है, एक बार वो एक साइड से एक कहती है, एक साइड से दूसरा कहती है, तो इसमें कोई बेस ही नहीं है। तो ऐसी बेसलेस केस, एक तो केस ही पूरा बोगस है, ऐसी बेसलेस केस के आधार पर, ऐसी बेसलेस एविडेंस के आधार पर निर्णय देकर न्याय व्यवस्था भी अपना दिखा रही है कि भारत की न्याय व्यवस्था कितनी कमज़ोर है, और कैसे महिलाएं उसका दुरुपयोग करके एक बापूजी जैसे बड़ी हस्ती को फंसा रही है। सिर्फ ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है, ये सिर्फ देश, भारत देश की एक प्रतिमा जो है, वो छवि जो है, वो खराब करने की सबसे बड़ी कोशिश है कि भारत के अंदर जो संतों, ऐसे संत बापूजी जैसे महान संतों के ऊपर ऐसे आरोप चलाए जा रहे हैं, और उनको 10 साल से रखने जा रहे हैं जेल में। तो ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक भारत देश के लिए भी, और भारत देश में जो महिलाओं के संगठन के लिए वुमन एम्पावरमेंट की झूठी कथित ये करने वाले कथित संगठना जो है कि हम महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, तो इन सबको अब जो महिला आयोग है या फिर बाकी के भी महिलाओं के लिए संगठन, तो उनको ये करोड़ों महिलाओं की आवाज़ क्यों नहीं दिख रही है? क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? कि बापूजी हमारे निर्दोष है, और ये जो बेसलेस है, उनके जो जजमेंट दिया है बेसलेस है, उसके ऊपर बापूजी को निर्दोष बरी करना चाहिए, क्योंकि ना उनके खिलाफ कोई प्रमाण है, ना कोई एविडेंस है, और ये जो केस भी लगा है वो भी बिल्कुल झूठा है। तो ये जो है, हम सिर्फ न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे हक का न्याय मांग रहे हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।